हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जय साई राम। आप सभी का मेरे चैनल हेल्दी लाइफ बाय शांति में स्वागत है। आज मैं आपको एलोवेरा का जूस बनाना सिखाऊंगी कि घर में एलोवेरा का जूस कैसे बनाया जाता है, शुद्ध एंड प्योर, और इसको कैसे लिया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैं आज आपको यही बताऊँगी। ये मैंने एक एलोवेरा की लीफ ली है, इसको अच्छी तरह धो के और अच्छी तरह साफ उफ करके अपने हैंड वगैरह वॉश करके सबसे पहले क्या करना है, इसको जब तोड़ोगे ना तो इसको एक घंटे के लिए इसको आप ऐसे खड़ा रखना है किसी अच्छे बर्तन में, जो इसका एक येलो येलो जो जेल होता है ना वो निकल जाए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए ना अच्छा नहीं होता है। तो उसको निकाल के फिर एक घंटे बाद इसको बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन करके धो के और फिर इसको हल्का सा दोबारा से ऐसे काटना है, ऐसे काट के फिर दोबारा से धोना है इसको। फिर मैं तो इसको अच्छे से धो चुकी हूँ, बाकी आपको मैं बता रही हूँ ऐसे करना है। अब इसकी दोनों तरफ की जो कोने हैं ये आपको काट देने हैं, ये दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है। और जो भी इसकी साइड की जो ये पत्ती है ऐसे निकाल देनी है इसको, ये देखो, ये इसको ऐसे निकाल दो, इतनी आसानी से निकल जाती है, ये देखो। फिर और इसी एक चम्मच की सहायता से इसको आप इसकी जो पल्प है ना उसको निकालो, ये बड़े आराम से निकल जाता है। प्लेट में रख के ना इसको इतनी आसानी से निकल जाता है। पर एक हाथ बात का ध्यान रखना, अपने हैंड वगैरह सब, नाइफ चम्मच सब बिल्कुल क्लीन रखना। ये देखो कितनी आसानी से निकल गया है, ठीक है। ये देखो ये जेल इसका कितनी आसानी से निकल गया है। बाकी मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, ये देखो ये कभी 5-6 लीफ का पल्प है, ये निकाल के रखा हुआ है। इसका जो ग्रीन पार्ट कुछ हल्का कुछ आ भी गया है ना वो निकालना है सारा, जैसे ये इसमें ग्रीन पार्ट आ गया है वो सारा निकालना, क्योंकि इससे ना थोड़ा तवापन आ जाएगा जेल में, ये निकाल देना है। अभी इसमें इसको डाल के ये सारा गिलास में डाल के इसको आप मिक्सी में ऐसे डाल दो, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें, खाली इसमें ऐसे ही डालना है। जार को बंद करके अब इसको इसको ज्यादा नहीं घुमाना है, ज्यादा घुमाने से जो इसके तत्व है ना वो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ 2 या 3 बार घुमाना है, इसी में ये आपका पूरा जेल बनके तैयार हो जाएगा। फिर एक साफ सी बोतल लेना है, वो भी कांच की, ये कांच की बोतल में ही डलता है, वैसे किसी स्टील में या कोई किसी धातु के बर्तन में डालना है। ये देखो कांच की बोतल है, एयर टाइट है, ये मैंने बिल्कुल साफ करके तब रखी हुई थी, अब मैं इसको इसमें रख दूंगी। इतना बढ़िया जेल बनके तैयार है। जल हमारा कितना प्योर शुद्ध और कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। बाहर से जो जेल आते हैं उसमें हमें कुछ नहीं पता उसमें क्या मिला होता है क्या नहीं मिला होता है, और ये हमें पता कि हमने अपने हाथों से साफ सुथरा हाथ धो के बिल्कुल क्लीन करके तब बनाया हुआ है। तो अपने बनाई हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे लिया जाता है। पहले तो इसको कैसे रखा जाता है, फ्रिज में कैसे रखते हैं इसको, इसको कम से कम 1 हफ्ता आप चला सकते हो, हफ्ते के लिए। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आधा नींबू काट के डाल दो कि इसके जो पोषक तत्व हैं ऐसे ही बने रहे। इसमें आप ये आधा नींबू इसमें ऐसे डाल के रख दो, ये इससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ठीक है। और इसको आप लगा के रख दो। अब क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में उठना है, इसको क्या करना है, इसको 1 या 2 चम्मच खाली पेट लेना है इसको। अब इसके मैंने इसके तो 2 चम्मच लिए हैं, ये 1, 2 चम्मच, ये छोटी चम्मच है, आप इसको 3 ले लो, काफी छोटी चम्मच है ये। 3 चम्मच लेके और इसमें आपको क्या करना है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये, इसे तो हमें मॉर्निंग में जरूर लेना चाहिए। फिर क्या करना है, इसमें 1 चम्मच शहद डालना है,
ये हमारे घर का शायद है, ये मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, वहाँ पे उनके खेत में छत्ता लगा हुआ था, इसलिए काला हो रहा, पुराना शहद है। इसमें शहद डालना एक चम्मच, एक चम्मच शहद मिला लो, इसको मिला के और इसको खाली पेट पियो, इतना बहुत है। बाकी ये करना, जिसको डायबिटीज है वो शहद ना डाले, वो खाली ऐसे ही पी ले इसको, थोड़ा सा काली मिर्च या कुछ भी डाल के इसको ऐसे ही पी ले। बाकी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये हमारी आंतों को सफाई करता है, मतलब जो हमें डाइजेशन को हमारी हम फ्रेश नहीं हो पाते उसको क्लीन करता है, हमारी पूरी आंतों की सफाई करके हमारे जो भी है पूरी मतलब फ्लैश आउट, पूरी गंदगी को फ्लैश आउट कर देता है। और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो हमारे बाल जो इतने डेड हो जाते हैं, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब टाइम से पहले वाइट हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए ही हमारा इसका बहुत फ़ायदा है। बाकी ये जो जिस किसको नहीं लेना चाहिए, एक तो 12 साल से जो छोटा बच्चा है उसको आप, जैसे इसमें मैंने 2-3 चम्मच डाली, उसको हाफ चम्मच दो 12 साल से छोटे बच्चे को, क्योंकि इसको ना डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको बच्चे को इतना दें। और प्रेगनेंट लेडीज़ को इसको बिल्कुल भी ना दें, जो गर्भवती महिलाएँ हैं उसको बिल्कुल भी ना दें। बाकी वैसे ये हमारे घुटनों के लिए और हमारी पूरी बॉडी के लिए, मतलब ये लगा लो कि पूरी एक हेल्दी टॉनिक है, इसको तो आप ज़रूर ही लो। अगर मान ले कुछ ना ले सको भाई, जैसे भाई इतना वो नहीं होता भाई, फिर क्या ले इसको, तो आप एक घर में, मैंने तो घर में बहुत ही इसका पेड़ उगाया हुआ है, तो या कहीं से आप, तो आजकल तो ये दिखते भी हैं, इसको थोड़ी सी 4-5 लीफ ले आओ, इकट्ठे जेल बना के रख लो, इसको आप ज़रूर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी स्वस्थ रहो, खुश रहो।